Hello students, once again welcome to our channel Future Nursing Officer. जैसा कि मैं पहले से ही कहता आ रहा था जिसने पूरी क्लासेस ली है उसका पेपर हंड्रेड एंड वन परसेंट सही हुआ होगा और हुआ होगा और डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि हम लोग जो टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर रहे थे उनके अंदर से ही मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चंस उन्हीं में से आए तो मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन है जो कि हम लोग डिस्कस करे थे और वो क्वेश्चन आया है एज़ इट इज़ क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे मिले हैं तो हम लोग आज उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आज सी uh, के अंदर आए हैं तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर लीजिएगा और अपना इवैल्यूएशन जितना होता है कितने क्वेश्चंस आपने अपने राइट हुए हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ओके okay, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आया है निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट uh, नहीं है ऑप्शन में था प्रोटीन फैट विटामिन और कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है नहीं है बताना है तो प्रोटीन होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है मैक्रो पूछा है यहाँ पर माइक्रो नहीं मैक्रो प्रोटीन होता है फेट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है वो इसका राइट right आंसर होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल है कौन सा वाटर सोल्यूबल है वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है विटामिन ए विटामिन सी विटामिन डी और विटामिन ई इसका राइट right आंसर होगा वाटर सोल्यूबल कौन सा जो विटामिन होता है ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले हमारी टेस्ट सीरीज़ में ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर विटामिन सी कौन सा होता है वाटर सोल्यूबल ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये हमारी एज इट इज़ क्वेश्चन आया इससे पहले वाला जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स वाला था ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था तो मैं सोचा ये शायद नहीं आएगा और आएगा तो, आएगा तो आप सभी को पता होगा तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तो में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई e की सबसे अधिक मात्रा मिलती है ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर कर चुके थे ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑप्शन ए है मीट सनफ्लावर ऑयल वेजिटेबल और फ्रूट्स ऑयल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने कहा भी था यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सनफ्लावर ऑयल ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर अगर आपके आंसर सही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने सही हुए हैं और आपने कितने अटम्प्ट किए हैं ओके ऑप्शन बी है सनफ्लावर कौन सा होता है विटामिन uh, ई e की सबसे अधिक मात्रा होती है ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी ये ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे ये हम तो, टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर ये क्वेश्चन डिस्कस किया था नाइट ब्लाइंडनेस स्कर्वी डिकेट्स और बेरी वेरी बेरी बेरी ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे इसकी विटामिन सी की वजह से कौन सी बीमारी होती है स्कर्वी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे को पूरक आहार कपल कंप्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू कर देनी चाहिए ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे टेस्ट सीरीज़ के अंदर ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे मैंने कहा भी था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था और आ गया है देखो ऑप्शन ए है पैदा होते ही छः महीने की उम्र पर ए, सी ऑप्शन है एक वर्ष की उम्र पर और डी ऑप्शन है दो वर्ष की उम्र पर इसका राइट आंसर होगा छः माह की उम्र पर कंप्लीमेंट्री फीडिंग ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो आप इवेलुएट कर लीजिएगा आप रिटर्न में लिख लीजिएगा कि हम कितने क्वेश्चन हैं जो कि हमारे टेस्ट सीरीज से आए हैं और मुझे बताइएगा जरूर बताइएगा मुझे कि ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं जिस भी स्टूडेंट ने सारी क्लासेस ली थी सारी टेस्ट सीरीज़ ली है जो भी तीस से बत्तीस टेस्ट सीरीज प्लस जो की पॉइंट्स वाली जो क्लासेस अगर किसी ने ली है सारी तो उसका डेफिनेटली सिलेक्शन है उसका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा इसका राइट right आंसर होगा छः माह छः माह की उम्र पर ऑप्शन बी है वो इसका राइट right आंसर होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है कौन सा तत्व है जो कि टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक होता है वाइटामिन कार्बोहाइड्रेट फेट और प्रोटीन वाइटामिन कार्बोहाइड्रेट और फेट और प्रोटीन ठीक है ये क्वेश्चन में पूछा टिश्यू रिपेयर के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है कौन सा तत्व है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर प्रोटीन ऑप्शन डी ओके इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है ये क्वेश्चन भी हम लोग दो बार डिस्कस कर चुके थे ये क्वेश्चन दो टेस्ट सीरीज में मैंने डिस्कस किया था ये क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तेज बुखार हल्का बुखार आंखों में दर्द और जोड़ों में दर्द ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे हल्का बुखार हल्का बुखार ये इसका राइट आंसर होगा नहीं है नहीं है हल्का बुखार ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे हमारी टेस्ट सीरीज़ में ये क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ये आई थिंक मैंने जो कल वाले सीरीज थी उसी के अंदर डिस्कस किया था वी का फुल फॉर्म वी का फुल फॉर्म इस वैक्सीन वायबिलिटी मोनिटर वैक्सीन वायल मोनीटर वैक्सीन वेरीफिकेशन मोनीटर एंड ऑप्शन डी है वायल वायरल वायबिलिटी मोनीटर ये क्वेश्चन शायद मैंने कल ही कल की सीरीज में डिस्कस किया था इसका राइट आंसर होगा वैक्सीन वायल मोनीटर ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है नौ माह पर विटामिन ए की डोज कितनी दी जाती है ये क्वेश्चन आई साइ आई थिंक एक दिन दो दिन पहले की जो सीरीज़ थी उसके अंदर डिस्कस किया था नौ माह पर विटामिन ई ए की डोज़ कितनी दी जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर एक लाख इंटरनेशनल यूनिट एक लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नौ माह पर विटामिन ए की डोज कितनी दी जाती है एक लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त किस रासायनिक पदार्थ से किया जाता है किसी वस्तु की किस सतह को सतह को ऊपर सरफेस सुपरफिशियल को फॉर्मल डिहाइड मैथेनोल ग्लूटेरल और सोडियम हाइपोक्लोराइड ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं कर चुके नहीं किए थे ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था इसका राइट आंसर होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है ये क्वेश्चन एज इट इज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस को इलाज की अवधि कितनी होती है ऑप्शन में ए, ए है कम से कम छः से आठ माह है कम से कम बारह माह है कम से कम बारह से सॉरी बीस से चौबीस माह है और कम से कम चौबीस से सत्ताईस माह है ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा कम से कम हम लोग बारह माह तक क्या करते हैं जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकलोसिस है उसकी अवधि होती है इलाज की ओके इट मीन्स इसका राइट आंसर होगा बी कम से कम बारह माह okay, है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला को टिटनस टॉक्सोइड के दो टीके लगाने के बीच में कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए ये क्वेश्चन भी हम लोग शायद दो दिन वाले दो दिन पहले की जो टेस्ट सीरीज़ थी उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अब देख सकते हैं प्रूफ वो टेस्ट सीरीज़ ओपन करके एज इट इज़ क्वेश्चन आया एज इट इज़ कम से कम एक सप्ताह कम से कम दो सप्ताह है कम से कम चार सप्ताह और कम से कम बारह सप्ताह है ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एज इट इज क्वेश्चन आ गया है एज इट इज़ क्वेश्चन आ गया है इसका राइट right आंसर होगा कम से कम चार सप्ताह ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर आप वो अगर आपको बिलीव नहीं होता है अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लिए तो आप प्रीवियस टेस्ट सीरीज के अंदर जाके वहाँ से देख सकते हैं एज इट इज़ क्वेश्चन आया ये एज इट इज़ क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है एज इट इज क्वेश्चन ये भी आया है एज इट इज आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग की टेस्ट सीरीज में ही मैंने बता दिया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है बी सी जी ओ पी वी हेपेटाइटिस बी मैंने पर्टिकुलर वैक्सीन्स के ऊपर बताया था सारी वैक्सीन्स हम लोगों ने डिस्कस की थी और उनमें से ये क्वेश्चन आ गया एज इट इज़ बी सी जी ओ पी वी हेपेटाइटिस बी बी सी जी ओ पी वी हेपेटाइटिस सी बी सी जी बी ऑप्शन डी है बी सी जी ओ पी वी और पेंटावेलेंट एज इट इज क्वेश्चन आ गया है इसका राइट आंसर होगा बी सी जी ओ पी वी और हेपेटाइटिस बी की जो डोज है वो दी जाती है जो वैक्सीन है वो दी जाती है किसके समय है जन्म के समय ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड नाइन्टीन बीमारी का कारक पूछा है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये ये तो आई थिंक बताने की ज़रूरत भी नहीं है एक कोविड नाइन्टीन सभी को पता है ऑलमोस्ट कोरोना वायरस है को ऐसे कोविड नाइन्टीन नहीं पता है तो कोरोना वायरस हंड्रेड एंड वन परसेंट पता होगा ऑप्शन बी है वो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा नाउ ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी मानव शरीर में कितनी अड्डियाँ होती है ये तो आप फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास के बच्चे को पूछ लेंगे तो वो भी बता देगा मानव शरीर में कितनी अड्डियाँ होती है दो सौ छः होती है सबको पता है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था मैंने जो टीबी के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट है वो यूज़ में लेते हैं सिसिक टेस्ट मॉन्टेक्स टेस्ट वी और एलिजा ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ गया है इसका राइट आंसर होगा मॉन्टेक्स टेस्ट ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अपना इवेल्यूशन जरूर कीजिएगा अपना इवेल्यूएशन जरूर कीजिएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप सेटिस्फाई है या नहीं है वो भी बताइएगा कि रियल में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हमारा टाइम जो खराब हुआ था वो रियल में खराब नहीं हुआ था वो यूटिलाइज हुआ था हमारा टाइम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है सबको पता है पेनक्रियास लीवर स्प्लिन या गल ब्लैडर एवर, एवरी एवरीबडी सबको पता होगा इसका आंसर जो पेपर है वो सही में ईजी भी था और जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे वही क्वेश्चन आए हम लोगों की जो हम लोगों ने जो क्वेश्चन uh, किए थे सबको पता है एक सीरीज़ में लास्ट पंद्रह से बीस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते थे दस से बारह मिनट का वीडियो होता था तो दस पंद्रह क्वेश्चन इट मींस हम लोगों ने लगभग तीस सीरीज कंप्लीट किए थो और लिमिटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे लिमिटेड क्वेश्चन उन्हीं में से सारा पेपर आ चुका है ऑलमोस्ट सारा पेपर अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहा जो कि हमने डिस्कस नहीं किया था सारे क्वेश्चन सत्रह क्वेश्चन सारे के सारे आए अभी तक मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी होती है अलीवर सबको पता है बहुत इजी क्वेश्चन है ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है सबको पता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन टीएसएस या कॉर्टिसोल या इंसुलिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे बहुत ही इजी क्वेश्चन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टेस्टोस्टेरोन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित स्टोर होता है ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया था ग्लूकोज सुक्रोज गैलेक्टोज और ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकोजन ऑप्शन ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है वो अपने लीवर के अंदर स्टोर स्टोर होता है किसकी फॉर्म में ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लाइकोजन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर ले और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग काफी जितनी भी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आती है उसमें हम लोग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा कर लीजिएगा इसके अलावा हम लोग जो वैकेंसीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाएंगे और उसके ऊपर भी हम लोग इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड जरूर करेंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले और चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले इसी के साथ साथ आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जरूर ऐड होइएगा क्योंकि उसी के अंदर आपको इंफॉर्मेशन है वो मोस्ट ऑफ प्रोवाइड की जाती है इसके अलावा आपको नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड किए जाएंगे वहां पर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं किस आबादी समुदाय में कौन सी संक्रमित रोग के पहले रोगी को क्या कहते हैं फर्स्ट केस इंडेक्स केस प्राइमरी केस सेकेंडरी केस और कैरियर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये किस या समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले फर्स्ट केस को क्या कहते हैं इसका राइट आंसर होगा इंडेक्स केस ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था ये आ, आ, आउट ऑफ हमारी सिलेबस उसमें आया आउट ऑफ सीरीज से आया ये क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है हम लोग ये इसी क्वेश्चन ये जो डेज थे उसके ऊपर भी हमने पर्टिकुलर वीडियो बनाया था और ज़्यादा नहीं थे उसके अंदर लगभग बारह से तेरह के अप्रोक्स पर्टिकुलर डेज के ऊपर वीडियो था बहुत ही छोटा सा उसमें से ये क्वेश्चन आ गया विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है एज इट इज क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन आया है ऑप्शन ए है दस मई ऑप्शन ए बी है एक दिसंबर ऑप्शन सी है ग्यारह मार्च और ऑप्शन डी है सात अप्रैल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी सात अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है ये क्वेश्चन जीके का हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये करंट जीके का क्वेश्चन है वर्तमान में पूछा है तो ये ऑलमोस्ट सभी को पता होगा इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन में दे रखा है श्री वेंकैया नायडू श्री प्रणव मुखर्जी श्री नाथ श्री रातनाथ गोविंद और ऑप्शन डी श्री लाल कृष्ण आडवाणी बहुत इजी क्वेश्चन है ये बच्चे बच्चे को पता होगा भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है इसका राइट right आंसर होगा श्री रामनाथ गोविंद ऑप्शन सी है वो इसका राइट right आंसर होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले अगर आप स्टाफ नर्स के लिए इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके वहाँ से इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चन को भी प्रिपेयर जरूर कीजिएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आज ही मैंने सुबह डिस्कस किया था एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ था मॉर्निंग में डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को मॉर्निंग के अंदर मुश्किल से पाँच से छः मिनट का वीडियो था उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट एक्ट्स बताए थे और आ गया है एमटीपी एक्ट आप देख सकते हैं सुबह का वीडियो ओपन करके पाँच से छः मिनट का वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया था एम एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आ गया है एम एक्ट एम एक्ट आ गया इसका राइट आंसर ऑप्शन है उन्नीस सौ 1965 और उन्नीस सौ एज इट इज क्वेश्चन आया एम एक्ट का डायरेक्ट पूछा है कब लागू हुआ था इसका राइट आंसर होगा उन्नीस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत में उनमूल उन्मूलन किया जा चुका है श्रेय रोग मलेरिया रोग पोलियो और एड्स इसका राइट आंसर होगा ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारा क्वेश्चन था इंग्लिश में यहाँ आ गया हिंदी में इसी वजह से बच्चों का ये क्वेश्चन रोम हुआ होगा निम्नलिखित बीमारी में से कौन सी बीमारी बाहर से उन्मूलन किया जा चुका है यानी इरेडिकेट किया जा चुका है ये पूछा है इसके अंदर अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होगा तो उसका डेफिनेटली ये क्वेश्चन रॉम्ब हुआ होगा क्योंकि क्वेश्चन हिंदी में आ गया है इसी वजह से वरना वो इसका आंसर है सही करता श्रेयरोग मलेरिया पोलियो या एड्स इसका राइट आंसर होगा पोलियो पोलियो वैक्सीन जो पोलियो रोग है वो इरेडिकेट कर दिया गया है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हरित क्रांति क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन का आवाहन किसने किया था वर्गीज कुरियन त्रिभुवनदास पटेल एम एस uh, स्वामी uh, स्वामीनाथन और एच एम दलाया ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था जो ग्रीन रिवोल्यूशन इसका आहन किसने किया था इसका राइट आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन हम लोगों के पास टाइम कम था इसलिए हम लोगों ने एक ही वीडियो बना पाए थे हम लोग आपके लिए का उसके अंदर से भी क्वेश्चन आया ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था ट्वेंटी फाइव लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सभी का सही होगा ये आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भारत में स्वच्छ भारत अभियान शुभारंभ कब किया गया था बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी हम लोग हम लोग डिस्कस कर चुके थे ये भी टेस्ट सीरीज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था यह क्वेश्चन भी कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वच्छ भारत अभियान का दो सितंबर दो हज़ार चौदह दो अक्टूबर दो हज़ार चौदह पंद्रह अगस्त दो हज़ार चौदह और दो अक्टूबर दो हज़ार तेरह इसका राइट आंसर होगा दो अक्टूबर दो हज़ार चौदह के अंदर क्या किया था शुभारंभ किया गया था किसका स्वच्छ भारत अभियान का ओके ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट कोयला खादानों में आग सूखी खेती या मानसून बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट सबको पता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट टेंथ आर का क्वेश्चन है टेंथ आर लास्ट फोर्टीन चैप्टर का क्वेश्चन है ये एज़ इट इज़ ग्लोबल वार्मिंग का ग्रीन हाउस इफेक्ट सबको पता है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको औरल माध्यम से नहीं फैलता है एज इट इज़ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था एज इट इज़ जब हम लोग कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ रहे थे उस टाइम डिस्कस किया था ये क्वेश्चन खसरा टाइफॉइड कोलेरा या हेपेटाइटिस एज इट इज़ एज इट इज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था फीको रूट से कौन सा नहीं फैलता है एज इट इज इसका राइट आंसर होगा खसरा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ और कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखो आ गया है ऑप्शन ए है उल्टी ऑप्शन बी है पेट में दर्द ऑप्शन सी है निर्जलीकरण एंड ऑप्शन डी है सुस्ती ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था इसका राइट आंसर होगा निर्जलीकरण ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अगर ये आपके अगर क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हुआ है तो एक ही रीजन हुआ होगा इस क्वेश्चन का आंसर की ये हिंदी में आ गया हिंदी में आ गया इसी वजह से इसका आंसर रॉन्ग हुआ होगा अदरवाइज आपका ये आंसर सही होता ये क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की यही था कि पेपर हिंदी में आया इस वजह से उनके पाँच से छः क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं अदरवाइज उनके क्वेश्चन रॉन्ग होने के कोई चांसेस नहीं थे क्योंकि हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे मोस्ट ऑफ इंग्लिश के अंदर डिस्कस किए थे हालांकि लास्ट में कुछ सीरीज थी वो हिंदी में भी डिस्कस की थी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पाँच वर्ष के पाँच वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण ये क्वेश्चन एज इट इज़ डिस्कस किया था पाँच वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण ये मैंने बताया था और ये भी कहा था कि ये तो पाँच वर्ष का है और जन्म होते ही बच्चे का मुख्य मृत्यु का कारण भी मैंने बताया था दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने बताए थे दोनों क्वेश्चन को मैंने आंसर बताए थे इसमें पूछा है पाँच वर्ष से छोटे बच्चों की मुख्य का मृत्यु का मुख्य कारण ऑप्शन ए है दस्त रोग निमोनिया खसरा या छोटी माता छोटी माता इसका राइट आंसर होगा रोग ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मैंने बताया था पांच वर्ष से कम वालों का भी और जन्म लेते ही बच्चे का भी मैंने बताया था मुख्य कारण ओके इसका राइट आंसर होगा ए रोग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में सामान्यतः सामान्य कैपिलरी रिफिल समय नॉर्मल कैपिलरी रिफ़िल टाइम ये मैंने बताया था पहले जब कार्डियक सिस्टम के अंदर पढ़ाया था उस टाइम मैंने बताया था कि बच्चों के अंदर नॉर्मल कैपिलरी रिफ़िल टाइम कितना होता है और एडल्ट के अंदर कितना होता है ऑप्शन ए एस ए, 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 ए एक सेकेंड से कम तीन सेकेंड से कम पाँच सेकेंड और सात सेकेंड ये मैंने उस टाइम बताया था तो ये इसका राइट आंसर होगा एक सेकेंड से कम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों के अंदर जो कैपेलरी रिफिल टाइम होता है वो होता है एक सेकेंड से कम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आप एक छः माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं छः माह का बच्चा है जिसका आकलन कर रहे हैं सामान्यतः निम्न निकलने से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका आंसर सही होगा डेफिनेटली बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है बच्चा चम्मच से स्वयं खा सकता है छः महीने का बच्चा है क्या क्या कर सकता है बच्चा स्वयं बैठ सकता है या बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है मैंने जब डेवलपमेंटल माइस माइल पढ़ाए थे तब मैंने बात बताया था अलग से मैंने डेवलपमेंटल माइलस्टोन की क्लास भी ले रखी है पीडेट्रिक के अंदर इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी ये डिस्कस किया था यह क्वेश्चन कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका राइट आंसर होगा बच्चा विदाउट सपोर्ट बैठने लग जाता है छह महीने का बच्चा स्वयं बैठ सकता है स्वयं बैठ सकता है विदाउट सपोर्ट ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है बताया था मैंने अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ बताया था एज इट इज़ क्वेश्चन बताया था एज इट इज़ अगर आपको बिलीव नहीं होता है अगर आपने क्लासेज नहीं लिए मेरी टेस्ट सीरीज तो आप वो देख सकते हैं विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि आपको ए, कौन सा ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया और या आप अपने जो और फ्रेंड्स हैं जिसने क्लास लिया आप उससे प्रूफ कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हम लोगों की टेस्ट सीरीज से आए हैं हम लोगों ने लिमिटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे लिमिटेड और उन्हीं में से आ गए हम लोगों ने कोई ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए ऑलमोस्ट uh, हर एक टेस्ट सीरीज में पंद्रह से बीस क्वेश्चन होते थे हमारे जो भी बहुत ईजी क्वेश्चन और वही आ गए uh, तो इसका ऑप्शन uh, में ए है वन से टू किलो ऑप्शन बी है टू uh, से थ्री किलो के जी ऑप्शन सी है टू पॉइंट फाइव के जी से ले कर थ्री पॉइंट फाइव के जी ऑप्शन डी है थ्री के जी से फोर के जी ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था भारत में भारत में पूछा है यहाँ पर जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है कितना होता है ढाई किलो से ले कर साढ़े तीन किलो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ढाई किलो से साढ़े तीन साढ़े तीन किलो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है के एम सी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा था जब कंगारू मदर केयर कंगारू केयर प्रदान की जाती है वह कम से कम कितने समय तक प्रदान कर, करनी चाहिए मैंने बताया था कि क, के एम सी कौन कौन दे सकता है यहाँ पर पूछा है कि कितने समय तक दे सकते हैं कम से कम पंद्रह मिनट कम से कम एक घंटा कम से कम एक कम से कम तीन घंटे और कम से कम छः घंटे इसका मैंने ये कहा था कि के एम सी कौन कौन दे सकता है लेकिन यहाँ पर क्या पूछ लिया क्वेश्चन uh, में ये पूछ लिया कि कितनी देर तक हम लोग के एम सी दे सकते हैं तो इसका राइट आंसर होगा कम से कम एक घंटा कम से कम एक घंटा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर रूम का टाम कितना होता है ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था ओ की टेस्ट सीरीज मैंने डिस्कस की थी अगर आपको बिलीव नहीं होता है कि ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया तो आप ओ की जो टेस्ट सीरीज़ थी उस वहाँ पर जाकर ये आप देख सकते हैं कि लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होता है ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था ऑप्शन ए है बीस से चौबीस और ऑप्शन बी है छब्बीस से अट्ठाईस अट्ठाईस से तीस और चौंतीस से सैंतीस इसका राइट आंसर होगा छब्बीस से अट्ठाइस लेबर रूम का टेम्परेचर होता है छब्बीस से अट्ठाइस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मानव के दूध में पाया जाता है एज इट इज़ आई थिंक कल वाली टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने ये डिस्कस किया था इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध में मानव के दूध में मैंने बताया था और सलाइवा के अंदर भी मैंने बताया था कि कौन सा पाया जाता है एज इट इज एज इट इज़ क्वेश्चन आया है सेम एज इट इज़ अगर बिलीव नहीं होता है तो आप जो टेस्ट सीरीज है वो देख सकते हैं या आप अपने फ्रेंड्स के अंदर जिसने टेस्ट सीरीज ली है मेरी मेरी जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था मेरी जो टेस्ट सीरीज़ ली है सबने उसका सलेक्शन श्योर है हंड्रेड एंड वन परसेंट श्योर उसका सलेक्शन है ऑप्शन ए है आई जी जी आई जी एम आई जी ई और आई जी ए मैंने कहा था हंड्रेड एंड वन परसेंट आएगा ये क्वेश्चन और आ गया होमन मेल हुमन मिल्क के अंदर आई थिंक ये तो शायद मैंने कल ही डिस्कस किया था ये क्वेश्चन कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका राइट आंसर होगा आई जी ए आई जी ए जो इमिनोग्लोबिलिन वो मानव के मिल्क में प्रेजेंट होती है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ गया ओके okay. बी वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है ये क्वेश्चन भी मैंने इतनी बार डिस्कस किया है कम से कम तीन से चार बार ये टेस्ट सीरीज के अंदर आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा बी वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है इंट्राडर्मल सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर और इंट्राविनस मैंने स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईजी है लेकिन ईजी के भरोसे ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों का गलत हुआ होगा लेकिन मैंने कहा था कि जो बी वैक्सीन का जो रूट होता है वो इंट्राडर्मल होता है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर मैंने कहा था ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर इंट्राडर्मल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉप्लिक स्पॉट बहुत ही बताया था बहुत इंपॉर्टेंट बताया था ये क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कॉप्लिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलता है छोटी माता मम्स खसरा या पोलियो कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉप्लिक स्पॉट जितने भी स्पॉट दिखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज में वो तो मैंने सारे डिस्कस किए थे और यह आ गया कॉप्लिक स्पॉट वाला कॉप्लिक स्पॉट वाला इसका राइट आंसर होगा मीजल्स मीजल्स के अंदर कौन से स्पॉट दिखते हैं कॉप्लिक स्पॉट ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है समेकित बाल विकास सेवाएँ योजना आई के लाभार्थी कौन है जो आई स्कीम है उसके लाभार्थी कौन है ये क्वेश्चन में मैंने जब आई स्कीम्स का आ, पढ़ाया था उस टाइम बताया था छः वर्ष से छोटे छः वर्ष से छोटे बच्चे गर्भवती तथा स्तनपान करने वाली महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इसका राइट right आंसर होगा ये मैं ये भी एक क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और देखो एज इट इज क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो कि हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था और ये देखो ये क्वेश्चन सारे आ गए इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी यानी दोनों छः वर्ष से छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं तथा, तथा स्तनपान करने वाली महिलाएं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत एज इट इज क्वेश्चन आया एज इट इज ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था मांस फल दूध या सब्जी मांस फल या दूध या सब्जी इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें मिलता है दूध के अंदर दूध के अंदर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टपार्टम हेमरेज में कौन सी दवा काम में ली जाती है एज इट इज एज इट इज़ क्वेश्चन आया है एज इट इज़ क्वेश्चन आया है पोस्टमार्टम हेमरेज में कौन सी कौन सी दवा काम में ली जाती है ऑक्सीटोसिन मिथार्जिन मेफीपरेस्टोल और मीजोप्रेस्टोल एज इट इज़ यही ऑप्शन में भी यही थे अपने जो ऑप्शन थे वो भी यही थे जो टेस्ट सीरीज में मैंने ऑप्शन दिए थे वो भी यही थे इसका राइट right आंसर होगा मे मेफी प्रेस्टॉन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव की संभावित तिथि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पूछिए पता करने के लिए पिछली ए, पिछली महा माहवारी से माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए ये क्वेश्चन मैंने जब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का कहीं ना कहीं आया था तब मैंने सीरीज़ में ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन मैंने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को इसका ऑप्शन ए नाइन माह है माह है नौ माह है दो दिन नौ माह है सात दिन और माह है सत्रह दिन ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था नौ माह है और सत्रह दिन इज़ द राइट आंसर सॉरी नौ माह है और सात दिन सत्रह सात दिन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था ऑलमोस्ट एक या दो क्वेश्चन अभी तक ऐसे आए जो कि हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए थे और सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे हमारी टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है गर्भवती महिला के अंदर मैंने बताया था बच्चे के अंदर एडल्ट के अंदर सब बताया था मैंने गर्भवती महिला का नहीं बताया था गर्भवती ऑप्शन ए है 12 से 16 प्रति मिनट 18 से 20 प्रति मिनट 18 से 24 प्रति मिनट और 20 से 24 प्रति मिनट इसका राइट आंसर होगा 18 से 20 प्रति मिनट जो नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट है वो होता है गर्भवती महिला का ओके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटोस्कोप से फिटल हार्ट साउंड गर्भ धारण की कितनी अवधि के बाद सुनाई जा सकती है एज इट इज एज इट इज़ ये क्वेश्चन भी आप हम लोगों ने जो ओ की टेस्ट सीरीज कंप्लीट की थी उसके अंदर डिस्कस किया था फिटोस्कोप से फिटल हार्ट साउंड गर्भ धारण कि कितनी अवधि के बाद कितनी अवधि के बाद बीस सप सॉरी बारह सप्ताह है बीस सप्ताह है चौबीस सप्ताह है या बत्तीस सप्ताह है एज इट इज़ क्वेश्चन आया एज इट इज़ क्वेश्चन आया है सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका राइट आंसर होगा बीस सप्ताह है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर एज इट इज क्वेश्चन आया है सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे मैंने काफ़ी बार हर सीरीज के अंदर ये एक ही बात बोली है हम लोग इंपॉर्टेंट सीरीज नहीं कर रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो नहीं कर रहे हैं हम सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट कोश्चन थे वो डिस्कस कर रहे थे सेलेक्टेड सेलेक्टेड और वही आए हैं और देख लीजिएगा प्रूफ आज हमारा रिजल्ट शो हो रहा है कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वही आए हैं इसका राइट आंसर होगा बीस बीस सप्ताह है ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला में एनीमिया कहा जाता है ये क्वेश्चन आई थिंक कल ही डिस्कस किया था अगर कल नहीं किया तो ये फिर उसमें किया था मैंने जब ओ की ओपी की टेस्ट रही थी, थी उसमें आई थिंक ये शायद कल ही किया था मैंने कल वाली टेस्ट सीरीज के अंदर ही कंप्लीट किया था ये ऑप्शन ए है तेरह ग्राम बारह ग्राम ग्यारह ग्राम और दस ग्राम इसका राइट आंसर होगा ग्यारह ग्राम गर्भवती जो महिला होती है उसके अंदर कम से कम हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए ग्यारह ग्राम परसेंट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आई यू सी डी का तात्पर्य आई यू सी डी की फुलफॉर्म फुल फॉर्म आप ये क्वेश्चन ये जो फुल फॉर्म है ये भी मैंने डिस्कस कर चुके थे इसके अलावा दो तीन फुल फॉर्म और मैंने बताई थी कि इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई यू सी डी की आई है इंट्रा यूट्राइन कंट्रोल डिवाइस इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइस इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस और इंट्रा यूट्राइन कंटिन्यूस डिवाइस इसका राइट आंसर होगा इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज़ द राइट आंसर ऑप्शन सी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था एज इट इज़ एज इट इज़ क्वेश्चन आया है फीटल हार्ट रेट कितनी होती है फीटल हार्ट रेट कितनी होती है साठ से अस्सी प्रति मिनट सौ से एक सौ बीस प्रति मिनट एक सौ बीस से एक सौ साठ प्रति मिनट और एक सौ साठ से एक सौ अस्सी प्रति मिनट ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था बहुत ही कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फटाफट फात से इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा देखते हैं देखिए आपको इसका आंसर रॉन्ग होता है या सही होता है ये आपका इवेल्यूशन है एक क्वेश्चन के लिए इसका राइट आंसर होगा 120 से लेके 160 प्रति मिनट जो हार्ट रेट होती है 120 से 160 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जाँचें की जानी चाहिए हीमोग्लोबिन शुगर हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था यह हमारे आउट ऑफ सीरीज आया है हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर एच सी जी हिमोग्लोबिन यूरिन शुगर यूरिन एल्बुमिन हीमोग्लोबिन ब्लड शुगर यूरिन शुगर हिमोग्लोबिन यूरन शुगर एंड एच पी एल ये हिंदी में क्वेश्चन आया है इस वजह से काफ़ी बच्चों का रोंग हुआ होगा डेफिनेटली रोंग हुआ होगा ये क्वेश्चन डेफिनेटली रोंग हुआ होगा इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन ब्लड शुगर एंड यूरिन शुगर ये हिंदी में क्वेश्चन आने की वजह से बच्चों का रोंग हुआ होगा चाहे आप मुझे बता सकते हैं डेफिनेटली मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपका रोंग इसी वजह से हुआ होगा इसी वजह से हुआ होगा क्योंकि ये हिंदी में क्वेश्चन है अगर इंग्लिश में ये क्वेश्चन होता तो डेफिनेटली आपका आंसर चाहे वो सही होता ओके इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गर्भवती महिला को चार माह के गर्भ पर टिटनस टॉक्सॉइड का पहला टीका लगा था क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा एक गर्भवती महिला है जिसको चार माह के गर्भ के यानी चार माह जब प्रेगनेंसी के फोर च.. मंथ पे क्या लगा था टिटनस टॉक्सॉइड का पहला टीका लगाया अब वह आठवें माह में जाँच हेतु आई है आठवें महीने में आई है, है एट्थ मंथ में आप टी टी के टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे कि आपको लगाना है नहीं लगाना क्या करना है आपको निर्णय क्या लेना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बताया था जब टी, टी का इंजेक्शन पहला इंजेक्शन कब लगता है और सेकंड इंजेक्शन कब लगता है और दोनों में इंटरवल कितना होता है वो सब मैंने डिस्कस किया था टेस्ट सीरीज़ के अंदर अब देखते हैं ऑप्शन टीटी का टीका नहीं लगाएंगे टीटी -टी का दूसरा टीका लगाएंगे टीटी -टी का 0.5 पॉइंट की जगह जीरो वन एम टीका लगाएंगे आज टीटी -टी का टीका लगाएंगे और महिला को 15 दिन बाद टीटी के एक और टीके के लिए बुलाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन बनाया है ये बहुत ही बहुत ही इसका राइट आंसर होगा टी, -टी का दूसरा टीका लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है एन ए सी एल एन टेन एच सी एल एन ए सी एल और एन ए ओ एच ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था ये हमारे आउट ऑफ सलेबस है आउट ऑफ हमारी जो सीरीज है उससे सलेबस नहीं कह सकते आउट ऑफ सीरीज इसका राइट आंसर होगा एन टेन एच सी एल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है एच आई वी हेपेटाइटिस ए सिफेलिस एच आई वी हेपेटाइटिस बी सिफेलिस एच आई वी हेपेटाइटिस सी सिफेलिस एच आई वी हेपेटाइटिस ई सिफेलिस इसके अंदर एच सभी के अंदर है सिफिलिस सभी के अंदर है, अपने को क्या करना है हेपेटाइटिस कौन से टाइप का हेपेटाइटिस है वो जांच लेना चाहिए तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है हेपेटाइटिस बी इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर ले आपका प्राइमरी गोल है वीडियो को लाइक करना और कुछ नहीं करना आपको सारी मेहनत करनी है हमें करनी है बस आपको तो ओनली वीडियो देखना है क्लासेस लेनी है रेगुलर और कोई डाउट हो तो मुझे बताना है कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है उसके ऊपर वो आपको कमेंट करके बताना है बस आपका काम इतना ही है आपका काम है वीडियो को लाइक करना शेयर करना फ्रेंड्स के अंदर शेयर जरूर कीजिएगा जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर ज़रूर कीजिएगा अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने कहा था पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है मैंने बताया था पार्टोग्राफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे लेकिन शायद ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था पार्टोग्राफ में अलर्ट टाइम और एक्शन टाइम में कितने घंटों का अंतराल होता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है दो घंटे तीन घंटे चार घंटे या छः घंटे आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए मुझे कमेंट करके बताइए पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है कमेंट करके बताइए मुझे कमेंट करके बताइए मुझे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चार घंटे ओके अगर आपका आंसर रोंग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा इन फ्यूचर फ्यूचर किसी भी एग्ज़ाम के लिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्थानपन शुरू कर करवा देना चाहिए एज इट इज़ क्वेश्चन स्तनपान एज इट इज़ क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने आई थिंक परसों परसों मैंने डिस्कस किया था परसों वाले टेस्ट सीरीज के अंदर एक घंटे के भीतर दो घंटे के भीतर चिकित्सक के कहने के बाद और छः घंटे के बाद एक घंटे के भीतर दो घंटे के बाद और इसका राइट आंसर होगा विद इन वन आवर विद इन वन आवर हम लोग क्या करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं बहुत ही ईजी क्वेश्चन है अगर ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है तो इसका मतलब आपको सलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे दो बार कम से कम दो बार मैंने ये डिस्कस किया था दो सीरीज़ के अंदर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है सामान्यतः प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है 100 एम 300 तीन सौ एम एल सौ और 700 सौ अगर ये आपका आंसर रॉन्ग हुआ है ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपका इसका आंसर रॉन्ग होने का एक ही रीज़न है कि क्वेश्चन हिंदी में है आप मुझे बताइए कि आपका ये इस क्वेश्चन का अगर आंसर रॉन्ग होता है तो उसका रीज़न क्या है डेफिनेटली हंड्रेड एंड वन परसेंट इसका आंसर रॉन्ग होने का एक ही रीज़न हुआ होगा कि आपको यह समझ में नहीं आया होगा कि यह सामान्यतः प्रेसौ औसतन कितना खून बह जाता है ये क्या किसके बारे में पूछा है इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी 500 सौ एम एल पाँच सौ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से रॉन्ग हुआ है डेफिनेटली यह हिंदी में है इसी लिए हुआ है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह हिंदी की वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अनुसार जो प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने बताया था ये क्वेश्चन भी जब मैंने जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि हम लोगों ने जब माइक्रोबायोलॉजी की टेस्ट सीरीज पढ़ी थी माइक्रोबायोलॉजी की टेस्ट सीरीज पढ़ी थी उसके अंदर ये क्वेश्चन डिस्कस किया था पीली थैली लाल थैली काली थैली और नीली थैली एज इट इज़ मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी का मैंने बताया था बी कब कब आया था और किसने दिया था सबसे पहले और इसमें प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डालते हैं मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखो क्वेश्चन आ गया है इसका राइट आंसर होगा पीली थैली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मातृ मृत्यु का सबसे मुख्य कारण मैंने बताया था मात्र का मदर का पूछा है यहाँ पर मदर का मुख्य डेथ रेट मतलब डेथ होने के कारण क्या है मैंने फिटस का भी बताया था मैंने माँ का भी बताया था एचिटीज क्वेश्चन आया है संक्रमण टॉक्सिक टसीमिया अनुसुरक्षित गर्भपात यानी अनसेफ अबॉर्शन और रक्त स्ताव मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रक्त स्ताव होता है वो होता है हेमरेज ऑप्शन इसका डी है वो इसका राइट आंसर होगा हेमरेज एक वन ऑफ द मोस्ट कारण होता है मात्र जो मदर है उसकी डेथ का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है असुरक्षित यौन संबंध यानी अनप्रोटेक्टेड क्वटटस की बात हुई है यहाँ पर के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ ठहरने की संभावना कम हो जाती है ये क्वेश्चन है उसका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये सभी को पता होगा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये चौबीस घंटे अड़तालीस घंटे बहत्तर घंटे और एक सौ बीस घंटे ये सभी को पता होगा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा बहत्तर घंटे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसवोत्तर विद्याकरण पोस्टमार्टम स्टलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए जो आ, पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन है वो प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए बारह घंटे से सात घंटे चौबीस घंटे से सात घंटे अड़तालीस घंटे से सात घंटे और बहत्तर घंटे से सात घंटे इसका राइट right आंसर होगा चौबीस घंटे से सात घंटे इट मीन्स ऑप्शन बी ही इस करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसेक्टोमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए विसेक्टोमी के बाद एक माह तक तीन माह तक दो माह तक और पाँच माह तक बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये इसका राइट आंसर होगा तीन माह तक ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं लीवो नोर आईयूसीडी को कितने समय में बदल लेना चाहिए पाँच वर्ष दस वर्ष पंद्रह वर्ष और बीस वर्ष इसका राइट आंसर होगा पाँच वर्ष पाँच वर्ष के भीतर अपने वो जो लिवन और जेस्ट्रोल है आई उसको क्या कर लेना चाहिए बदल लेना चाहिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी होती है मैंने बताया था राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी होती है मैंने टेस्ट सीरीज़ के अंदर ये डिस्कस किया था इसका ऑप्शन है चौदह से चौदह एक हज़ार अट्ठाईस पे एक हज़ार और सैंतीस पे एक हज़ार और छप्पन पे एक हज़ार इसका राइट आंसर होगा मैंने बताया था सैंतीस पर एक हजार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ये भी एज इज क्वेश्चन आया है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज थी उसमें से कितने क्वेश्चन आए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अगर आपने हमारी सारी टेस्ट सीरीज क्लासेस ली है तो डेफिनेटली सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता आपको आपको कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपका, आपका आपने सारी टेस्ट सीरीज ली है और सारे क्वेश्चन सही किए हैं जो कि मैंने बताए थे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा अब ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है पी की फुल फॉर्म पूछिए जो कि सबको पता होती है बेसिक मेडिकल वेस्ट बायो मेडिकल वेस्ट ब्लड मेडिकल वेस्ट और बायो मैन पावर वेस्ट इसका राइट आंसर होगा बायो मेडिकल वेस्ट ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपी मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों ट्यूब्स को हाथ से हाथ के किस ओर रखना चाहिए बा, बा, बाहर की ओर यानी लेटरल अंदर की ओर मीडियल या पीछे की ओर पोस्टीरियर या पीछे और बा, बा, बाहर की ओर यानी पोस्टीरियो लेटरल बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा जब अपन बीपी नापते हैं तब इंस्ट्रूमेंट की नलियों को हाथ के किस ओर रखना चाहिए इसका राइट आंसर होगा मीडियल बीच में रखना चाहिए बीच में ओके ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत की कुल प्रजन टोटल दर कितनी है यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट पूछिए भारत की एक पॉइंट आठ दो पॉइंट दो दो पॉइंट पाँच और दो पॉइंट छः इसका राइट आंसर होगा टोटल फर्टिलिटी रेट भारत की कितनी है दो पॉइंट दो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू पॉइंट टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफॉइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मैंने डिस्कस किया था कहा था बहुत ईजी क्वेश्चन है और अजी ईजी क्वेश्चन आ गया ये विडाल टेस्ट मिलल टेस्ट कहन टेस्ट और मॉन टेस्ट टेस्ट मैंने कहा था ये तो अपने नॉर्मल घर के अंदर पता लग बता देंगे कि टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ में लेते हैं कौन सा टेस्ट करते हैं क्योंकि नॉर्मल ये टाइफॉइड का टेस्ट है हम लोग करवाते रहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा विडाल टेस्ट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय कहाँ है मैंने कहा था कल मॉर्निंग में डिस्कस किया था ये क्वेश्चन तो मैंने कहा था ये नॉर्थ सेट ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर भी आया था और ये देख लीजिए सी एच ओ के अंदर भी आ गया है मैंने कहा था ये नॉर्थ सेट के अंदर भी आएगा जो आ, आ, आया था और ये जो मैंने सुबह जो की पॉइंट्स की क्लास ली थी ना उसके अंदर से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलमोस्ट तीन से चार क्वेश्चन आ चुके हैं पाँच मिनट का वीडियो था उसके अंदर से तीन से चार क्वेश्चन हद होती है इतने इजी क्वेश्चन सी एच ओ के अंदर जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे इजी इसलिए लग रहे हैं हमारे को क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किए थे बाकी आप बाहर वाले स्टूडेंट से पूछिए कि कैसा पेपर था उन्हें पता लग जाएगा जिसने हमारी टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है उनसे पूछिएगा कि कैसा पेपर हुआ है और हम लोगों का जो अप, अप, हम लोगों ने डिस्कस किए थे उनसे पूछिएगा कि कैसा क्वेश्चन है दोनों कंपेरिजन कीजिएगा आपको पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर इसका राइट आंसर होगा जेनेवा जेनेवा के अंदर क्या है डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय हेडक्वाटर स्थित है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर मैंने कुछ बताए थे कुछ संगठन बताए थे मॉर्निंग के अंदर उन्हीं में से आ गया है मॉर्निंग की क्लास में से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं जो कि मैंने सुबह डिस्कस किया था और कहा था ये क्लास बहुत ही जरूरी है एग्जाम से पहले एग्जाम से पहले बहुत ही जरूरी थी और उसमें से क्वेश्चन आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है जल के शुद्धिकरण के लिए लाइम ब्लीचिंग पाउडर पोस्ट पोटेशियम पर और फॉर्मल फॉर्मल डी है इसका राइट right आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर हम लोग क्या करते हैं जल के शुद्धिकरण के लिए यूज़ में लेते हैं ये भी हम लोगों ने अगर केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी है तो ये टेंथ क्वेश्चन का टेंथ क्लास का जो केमिस्ट्री का चैप्टर है उसका आंसर है, है ये उसका क्वेश्चन है ये ओके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ब्लीचिंग पाउडर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी औसतन आबादी के लिए स्थापित किया गया किया जाता है ये क्वेश्चन मैंने बताया था पीएससी बताया था सी बताया था और यहाँ पर किसका पूछ लिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कितनी आबादी पर होता है पाँच हज़ार दस हज़ार तीस हज़ार और पचास हज़ार बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर ये आपका आंसर रॉन्ग हुआ है तो उसके पीछे रीज़न डेफिनेटली एक ही रीज़न रहा होगा वो है हिंदी में क्वेश्चन हिंदी में क्वेश्चन आना रीज़न रहा होगा इसका डेफिनेटली काफ़ी सारे बच्चों के हिंदी में क्वेश्चन आने की वजह से रॉन्ग हुए हैं ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम पाँच से आठ क्वेश्चन है जो कि हिंदी में आने की वजह से रॉन्ग हुए हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तीस हज़ार ऑप्शन सी तीस हज़ार ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं वर्तमान में राजस्थान की मात्र मृत्यु एम कितनी है जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बतानी है राजस्थान की इसका ऑप्शन है लगभग एक हज़ार पे एक लाख डेढ़ सौ पे एक लाख दो सौ पर एक लाख और ढाई सौ पर एक लाख इसका राइट आंसर होगा टोटल मेटरनल मोटेलिटी रेट पूछी है लगभग ढाई सौ पर एक लाख इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम काफ़ी हो चुका है इसलिए थोड़ा सा फास्टली डिस्कस करते हैं देश में पिछली जनगणना कब हुई थी ओ माई गॉड इतना ईजी क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन सभी को पता है दो हज़ार ग्यारह के अंदर हुई थी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लगभग सात परसेंट लगभग बारह परसेंट लगभग सत्रह परसेंट और लगभग बाईस परसेंट बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सबको पता है लगभग सत्रह परसेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन है जीरो पॉइंट पच्चीस एम जी पर लीटर जीरो पॉइंट फाइव एम जी पर लीटर ज़ीरो पॉइंट वन एम जी पर लीटर टू एम जी पर लीटर इसका राइट आंसर होगा जीरो पॉइंट पाँच एम जी पर लीटर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भारत में राष्ट्रीय जन जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू हुई थी एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था एज इट इज़ कहा था बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एन पी पी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू की गई थी उन्नीस सौ बावन उन्नीस सौ पैंसठ उन्नीस सौ पिचासी और दो हज़ार इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा भारत में जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है एन जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है वो कब लागू गई थी अब सबको पता है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा 2000 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ गया है एज इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारम्भ किस वर्ष में किया गया था मैंने बताया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये मैंने बताया था रूरल हेल्थ मिशन कब आया था ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा दो हज़ार पाँच बहुत ही इजी क्वेश्चन है दो हज़ार पाँच के अंदर आया था बारह अप्रैल को ओके एन आर एच एम की बात हुई है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की कब आया था दो हज़ार पाँच के अंदर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओर चलते हैं आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है ये भी मैंने बताया था आशा कितनी पॉपुलेशन को जो आ, सेवा है वो प्रदान करती है एज़ इट इज़ सेम सेम क्वेश्चन आया है सेम ऐसा का ऐसा मैंने कहा था सीरीज के अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ गया 500 पे एक हज़ार ढाई हज़ार और पाँच हज़ार इसका राइट right आंसर होगा एक हज़ार की पॉपुलेशन पे जो आशा है वो वर्क करती है अपनी हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है एक हज़ार पे इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत में मूलत उन्मूलन कब कर दिया गया है बहुत ही ईजी क्वेश्चन अगर इस क्वेश्चन का अगर आपका आंसर रॉन्ग हुआ है तो डेफिनेटली आपका हिंदी में होने की वजह से हुआ होगा मलेरिया एस आई वी नारू रोग और गेंगा इसका राइट right आंसर होगा नारू रोग ये भी टेंथ क्वेश्चन अभी जो आर uh, का है उसके अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है टेंथ चैप्टर टेंथ क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये नारू रोग ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बर्थ एंड डेथ डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि से करवा लेना चाहिए ये भी मैं ये भी मैंने कम से कम दो से तीन बार इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर चुके हैं डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन मिनिमम कितने दिन के अंदर करवाना चाहिए सात दिन दस दिन और चौदह दिन और इक्कीस दिन मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एज इट इज़ क्वेश्चन आया है एज इट इज़ दो से तीन बार डिस्कस किया है मैंने इस क्वेश्चन को क्योंकि मुझे लग रहा था ये डेफिनेटली आने वाला है इसका राइट आंसर होगा इक्कीस दिन इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर अब ये जो डेथ और रजिस्ट्रेशन एक्ट है ये भी बताया था मैंने कि कब आया था मैंने कहा था या तो एक्ट पूछेगा या कितने दिन के अंदर करवाना चाहिए ये पूछेगा और ये पूछ लिया है एज इट इज़ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मीजल्स वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये भी मैंने बताया था स्टार्टिंग की टेस्ट सीरीज में बताया था शायद दूसरी या तीसरी टेस्ट सीरीज में मैंने बताया था मीजल्स वैक्सीन का ऑलमोस्ट मैंने सारी जो वैक्सीन है उसका रूट बताया था उसी क्लास के अंदर कहा था इनमें से एक डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा और मीजल्स का पूछ लिया इंट्राडर्मल डर्मल सबक्यूटेनियस इंट्रा और इंट्रावीनस और इसका राइट आंसर होगा सबक्यूटेनियस उन सबक्यूटेनियस मैंने रूट भी बताया था इसकी डोज भी बताई थी सारा बताया था मिजल्स का इम्यूनाइजेशन का जब टॉपिक पढ़ाया था तब भी बताया था इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर भी बताया था इसका राइट right आंसर होगा सबक्यूटेनियस ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए ये भी मैंने बताया था ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज़ की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए जिसने पूरी क्लास ली है ना उसको आवश्यकता ही नहीं है टेस्ट सीरीज़ की जो अपना ये आंसर की है ना इसकी ज़रूरत ही नहीं है आंसर की की डेफ़िनेटली क्योंकि उसने तो सारे क्वेश्चन उसने अगर अच्छे से पढ़े हैं तो उस उसको तो आंसर की की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए एक वयस्क आदमी का नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी है उसके नॉर्मल बी कितना होता है पंद्रह से उन्नीस बीस से पच्चीस छब्बीस से तीस और इकतीस से पैंतीस इसका राइट आंसर होगा जो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स होता है वो बीस से पच्चीस होता है ओके इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ओ आर एस के साथ निम्नलिखित ने में से क्या दिया जाता है कैल्शियम आयरन और विटामिन और जिंक सभी को पता है ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था हालांकि एज़ इट इज़ क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया था ये लेकिन इसका आंसर होगा जिंक ऑप्शन डी क्या दिया जाता है ऑप्शन डी जिंक दिया जाता है बच्चों को ओ आर एस के साथ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य व्यक्ति में एच बी ए वन सी की मात्रा कितनी होती है जो एच बी ए वन सी है जो टेस्ट किया जाता है उसकी नॉर्मल मात्रा नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इस ऑप्शन में है छः ग्राम छः परसेंट से कम छः पॉइंट पाँच परसेंट से सात परसेंट सात परसेंट से आठ परसेंट और तीन परसेंट से कम इसका राइट आंसर होगा छः परसेंट से कम होनी चाहिए एच बी ए वन सी की वैल्यू ओके और ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं किसी व्यस्क में रेंडम ब्लड शुगर की कितनी मात्रा से डायबिटीज़ मलाइटस का संदेह होना चाहिए रेंडम जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल है वो कितना होना चाहिए कि उसको डायबिटीज़ मलाइटस का एक्सपेक्टेड केस हो सकता है हो सकता है अस्सी एम जी पर डी एल से सौ एम जी पर डी एल सौ एम जी पर डी एल से एक सौ चालीस एम जी पर डी एल एक सौ चालीस एम जी पर डी एल से ज्यादा और दो सौ एम जी पर डी एल से ज़्यादा रेंडम ब्लड शुगर पूछा है यहाँ पर रेंडम रेंडम ब्लड शुगर पूछा है इसका राइट right आंसर होगा 140 से अगर एम जी पर डी से ज़्यादा अगर जो रेंडम ब्लड शुगर का लेवल आ रहा है ब्लड का ब्लड शुगर का लेवल शुगर का लेवल आ रहा है ब्लड के अंदर 140 सौ चालीस पर डी से ज़्यादा तो उस कंडीशन के अंदर डायबिटीज़ मलाइटिस के संदेह हो सकता है या हो जाना चाहिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डायबिटीज़ मलाइटस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता कॉम्प्लिकेशन क्या है ये भी मैंने बताया था ये भी मैंने बताया था और डायबिटीज़ मलाइटस का बहुत ही मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है और दो क्वेश्चन तो रेगुलर पूछे गए हैं एट्टी और एट्टी इसका ऑप्शन है गेलेक्टोसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया और स्ट्रोक इसका राइट आंसर होगा मैंने बताया था हाइपोग्लाइसीमिया क्या है इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है त्वचा तो के माध्यम से लिम्फेटिक सिस्टम से रक्त के माध्यम से और बी और सी ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सभी को पता होगा जो मानव के अंदर जो कैंसर है वो फैलता है लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से और रक्त के माध्यम से इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी कारण सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ा बढ़ा बढ़ाते हैं सिवाय एक के लेट मीनाफोज अत्यधिक अत्यधिक वजन कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध और शारीरिक व्यायाम न करना बहुत ही इसी क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर स्तन कैंसर पूछा है यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर पूछा है स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के अलावा लेट मिनोपोज भी बढ़ाता है अत्यधिक वजन भी बढ़ाता है और शा शारीरिक व्यायाम न करना भी बढ़ाता है इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तन की स्वयं जाँच करने यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का सबसे उपयुक्त समय कब होता है महामारी महावारी के दौरान महामारी के, के प्रथम दिन के सात से दस दिन के बाद महामारी शुरू होने से दस दिन पहले यदि महिला हार्मोन्स ले रही है तो, तो रक्त स्वान यानी विदड्रोल ब्लीडिंग विदड्रोल ब्लीडिंग शुरू होने के अगले दिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर होगा महामारी के प्रथम दिन से सात दिन के बाद ओके ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है समय से पहले प्रसव यानी प्री लेबर ओवरवेट बेबी लो बर्थ वेट बेबी या इम्पोर्टेंस बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये प्री लेबर हो सकता है सभी को पता है अगर महिला क्या कर रही है तंबाकू का सेवन कर रही है प्रेगनेंसी के दौरान तो उस समय क्या हो सकता है प्री लेबर हो सकता है समय से पहले लेबर कंडक्ट करवाना पड़ सकता है डिलीवरी करवानी पड़ सकती है इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है फटाफट से अपना आंसर हो इसका आंसर हो पुट कर लीजिएगा एक बार अपना आंसर इसके पुट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये मैंने डिस्कस नहीं किया था लेकिन इजी क्वेश्चन है अपना आंसर आपने जो आंसर किया है वो पुट, मुझे पुट करके जरूर बताइए इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है टाइप वन डायबिटीज़ मलाइटस जो टाइप वन डायबिटीज़ मलाइटस उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इंसुलिन यूज़ में लेते हैं ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है एज़ इट इज़ कल वाली क्लास के में, अंदर मैंने बताया था आयोडीन की कितनी मात्रा होनी चाहिए पचास से सौ माइक्रोग्राम पचास से सौ पचास से ग्रा, सौ ग्राम माइक्रोग्राम पचास से सौ मिलीग्राम सौ से डेढ़ सौ माइक्रोग्राम और सौ से डेढ़ सौ माइक्रोग्राम सॉरी मिलीग्राम ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था इसका राइट आंसर होगा सौ से डेढ़ सौ माइक्रोग्राम क्या होना चाहिए आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए ओके सौ से डेढ़ सौ माइक्रोग्राम ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की जा सकती है आईपीवी हेपेटाइटिस डीपीटी और एचपीवी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया था इसका राइट आंसर होगा एचपीवी एचपीवी वैक्सीन कौन सी एच वैक्सीन है वो सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए यूज में ली जाती है ओके ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीटेन नॉर्थीडीड एंथेट गर्भा गर्भधारण के कितने समय के लिए बचाता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा ये एन ई टी एन गर्भाश्य गर्भधारण के कितने समय के लिए बचाव के लिए यूज में लिया जाता है इसका राइट आंसर होगा ये किसकी बात पूछिए यहाँ पर तीन माह है डम्पा डी एम पी ए की बात हुई है यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इसका आंसर सही कर सकते थे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तीन माह है नेक्स्ट क्वेश्चन है आई का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव यानी साइड इफेक्ट पूछा है यहाँ पर आई का बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर चुके हैं ओबीजी की टेस्ट सीरीज के अंदर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो और रप्चर ऑफ यूट्रास एंड एक्सपल्सन ऑफ आई बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेंस्ट्रुअल एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो का इसका क्या हो सकता है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बताया था मैंने आई का कि आई का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है ये तो सारे साइड इफेक्ट होते हैं आई के लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा होता है एक्सेसिव मैंस्टल फ्लो ओके ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एच संक्रमण पता लगने के लिए कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मैंने बताया था ये क्वेश्चन बताया था मैंने ये डिस्कस किया था ये क्वेश्चन सी एच ओ की जो हम लोग टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर मैंने बताया था जब माइक्रोबायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ पढ़ रहे थे उसके अंदर नॉर्थन ब्लॉट टेस्ट इम्यूनो इम्यूनोथोन ब्लॉट या साउथर्न ब्लॉट या वेस्टर्न ब्लॉट मैंने बताया था जब एच आई वी संक्रमण हो जाता है उसको हमें पता लगाने के लिए हम लोग कौन सी टेस्ट है वो करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर वेस्टर्न ब्लॉट बताया था मैंने वेस्टर्न ब्लॉट एलिजा ओके वेस्टर्न ब्लॉट और एलिजा एलिजा भी करते हैं और सबसे मोस्ट कॉमन पूछा है अगर एलिजा और वेस्टर्न दोनों ऑप्शन में है तो उस कंडीशन में भी वेस्टर्न ब्लॉट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधित कमी कौन सी होती है किशोरावस्था में आयरन डेफिशिएंसी होती है हाइपोथरडिज्म कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड जिंक डेफिशिएंसी इसका राइट right आंसर होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में अवस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण कि जो एडल्ट है उसके अंदर जो मृत्यु का सबसे ज़्यादा कारण क्या हो सकता है आत्महत्या दस्त रोग नहीं हो सकता सड़क दुर्घटना या एनीमिया बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सबको पता है एक्सीडेंट जो एडल्ट एज है उसके अंदर एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और उसी कंडीशन में डेथ रेट बढ़ जाती है इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टोरन एक हार्मोन है जो पाया जाता है केवल पुरुषों में केवल महिलाओं में केवल पुरुषों के यौवन के, के समय पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन टेस्टोस्टोरें हारमोन हो तो कहाँ पाया जाता है पुरुषों में तथा महिला दोनों में पाया जाता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन कहाँ पाया जाता है आपके अकॉर्डिंग केवल पुरुषों में ओके okay, ऑप्शन कौन सा होगा इसमें राइट ए टेस्टोस्टेरोन एस्टोरॉन किसमें होता है ओनली मेल्स में होता है किसमें ओनली मेल्स में ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नहीं होगा ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर बालक बालिकाओं में डी वार्मिंग के लिए एल्बेंडा जोल की डोज दी जाती है कितनी डोज दी जाती है ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था तब हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेस्ट सीरीज़ इसका ऑप्श उप, इसका ऑप्शन है सौ से सौ एम जी बी डी दो सौ एम जी बी डी एच एस चार सौ एम जी ओ डी एच एस आठ सौ एम जी बी डी इसका राइट आंसर होगा चार सौ एम जी ओ डी एच एस ओके ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर संक्रमण रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क द्वारा नहीं फैलते वेक्टर द्वारा फैलती है उपरोक्त में से कोई ही नहीं बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये इसका राइट आंसर होगा सबको पता है कम्युनिकेबल डिजीज़ एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे से व्यक्ति के अगर संपर्क में आएगा तो डेफिनेटली वो डिजीज़ उसे हो जाएगी जैसे कि कोविड नाइन्टीन एक अच्छा सा एग्जाम्पल है ओके ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यस्त व्यक्ति का सामान्यतः रक्तचाप नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा है किसी व्यस्क व्यस्त नहीं व्यस्क का ही नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है ऐसा क्वेश्चन पूछा है सी एच ओ के अंदर हद होती है इतना इजी क्वेश्चन जो कि एक दसवीं के क्लास के बच्चे को पूछ ले तो वो बता देगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है ऑप्शन में दे रखा है 120 से एक सौ 130 से एक सिस्टोलिक और डाइस्टोलिक ऑप्शंस में दे रखे हैं इसका राइट आंसर होगा एक सौ तीस से उनचालीस और अस्सी से नवासी इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज़ मलाइटस का लास्ट क्वेश्चन डायबिटीज मलाइटस के रोगी के मुख्य लक्षण होते हैं ऐसा क्वेश्चन बी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर जब पढ़ाया जाता है uh, ए, एंडोक्राइन सिस्टम उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है या तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम या डायबिटीज़ मलाइटस तब बचाया जाता है कि कि डायबिटीज़ मलाइटस के डेफिनेशन के अंदर ही बताया जाता है कि कौन से ऐसे तीन पी है जो कि डायबिटीज मलाइटस के अंदर आते हैं पोली यूरिया पोलीडिप्सिया और पाली पोलीफेसिया इट मीन्स ये तीनों फीचर्स आते हैं डायबिटीज मलाइटस के अंदर तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑपरोक्त सभी ओके तो ये हम लोगों ने टेस्ट सीरीज कंप्लीट की ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड आंसर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं एक्सपेक्टेड हंड्रेड परसेंट नहीं है लेकिन नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट हम लोगों के आंसर है वो सही है हंड्रेड परसेंट में नहीं कहता लेकिन नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ये आंसर सही है तो आप अपना इवेलुएशन करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं और टेस्ट सीरीज से आपको कितना फ़ायदा हुआ है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के अंदर और बताइएगा कि देखिए हम लोगों ने इतनी टेस्ट सीरीज इंसर के लिए थी और हम लोगों के इतने क्वेश्चन सही हुए हैं और जिस दिन आपका रिज़ल्ट आ जाए जिस दिन आपका रिज़ल्ट आ जाए उस दिन मुझे कमेंट करके मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया है हमारा सलेक्शन हो गया है ओके ऐसे ही काफ़ी सारी जो एग्ज़ाम्स आती है स्टाफ नर्स की उसकी हम लोग टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करेंगे साथ ही साथ हम लोग वैकेंसी की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे इसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होइएगा इसके अलावा अगर आप स्टाफ नर्स की वैकेंसी की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है इंस्टाग्राम का तो आप उसे फॉलो करके वहाँ से ज़रूर अपने इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चन को भी प्रिपेयर जरूर कीजिएगा ओके थैंक यू थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्क्रेचुलेशन जिसने भी सारे टेस्ट क्लासेस लिए है उसका सलेक्शन हंड्रेड एंड वन परसेंट हो गया है हंड्रेड एंड वन परसेंट हो गया है जिसने भी सारी क्लासेस ली है ओके थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले जितने स्टूडेंट्स के पास आप शेयर कर सकते हैं उतने स्टूडेंट्स के पास आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सब लोग अपना इवेल्यूएशन कर सकें ओके थैंक यू थैंक यू सो मच